अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह आप किसी की शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नादराई कैसे कैसे। सबसे पहले आपने नादराई कैसे को लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास नादराई कैसे का है तो यहाँ पर आपने CNC नंबर लिखना होता है, फिर यहाँ पर आपने अपना पिन कोड पासवर्ड लिखना होता है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इंग्लिश पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फिर सिटीजन वेरिफिकेशन पर देख लेना है। यहाँ पर देख के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अगर आपने किसी के शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करनी है तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर आएंगे। ये मोस्टली इसलिए होती है कि अगर किसी की आपके पास शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी है, ज़मीन का लेन देन है, किसी से गाड़ी ली है उसकी शनाख्ती कार्ड की उसने फ़ोटो कापी दी है किसी ने कि इसके नाम पर है और आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि वाकई CNC नंबर ये जो कापी मुझे मिली है तो वाकई इसी बंदे की है कि नहीं है या ऐसे यानी कि प्रिंट की गई है। तो यहाँ से फिर आपको जब लिखेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर जो पता करना चाहता है, करवाना चाहता है कस्टमर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे आप कि जैसे शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करनी है। तो जब आप यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिख लेंगे फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो जब आप फिर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे फिर आगे एक बयान हरफी छोटा सा आता है कि आपने ये लीगल कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो आपने उसको ओके कर देना है। फिर जब आप ओके करेंगे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, 120 रुपया होता है थिंक। तो फिर वो आगे डिटेल आ जाती है कि ये जो शनाख्ती का नंबर आपने लिखा है, ये इसका नाम क्या है, इसकी बलदियत क्या है, और उसकी तस्वीर भी आ जाती है। फिर वो आपने देखने के लिए व्यू पर जाना होता है। व्यू पर जब आप व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसकी बंदे की सारी डिटेल आ जाएगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।